सर्वंगल मांगल्ये शिवे सर्वाति साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य आशीष टंगवाल और आप देख रहे हैं हमारा एस टी योगी चैनल। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त के राशिफल के बारे में। मित्रों, राशिफल के बारे में तो बात करेंगे ही, परंतु इससे पहले आपसे एक विशेष अपील है आपसे। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेष लग्न से। लग्नेश जो स्वामी है कुंडली के अंदर वो है मंगल, और मंगल विराजमान है चंद्रमा के साथ में। तो चंद्र मंगल का योग है जो कि बहुत ही शुभकारी है। चंद्र मंगल का योग लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। विशेषकर उनके लिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जिन भी जातकों का जो जन्म होगा इस मंथ में जिनका होने वाला है। साथ में अगर देखा जाए तो जितनी भी राशियां हैं राशियों के ऊपर भी इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा भी पड़ेगा, थोड़ा बुरा भी रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जो कुंडली के अंदर है अपने से 12वें स्थान में है, शनि भी अपने से 12वें स्थान में है, वक्र भी चल रहा है, तो इसलिए वक्र ग्रहों का भी प्रभाव थोड़ा बहुत रहने वाला है इसमें। तो देखा जाए तो समय जो है इस मंथ का वो अप डाउन थोड़ा सा रहेगा, तो इसलिए राशियों के ऊपर इसका जो प्रभाव है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी रहने वाला है। राशि अनुसार यह मंथ आपके लिए कैसे जाने वाला है, इस संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मेष राशि की जातकों के लिए यह मंथ बहुत ही शुभकारी जाने वाला है, क्योंकि इस मंथ में आपका राशि का जो स्वामी है मंगल वो चंद्रमा के साथ में चंद्र मंगल का योग बना रहा है, जो कि धन क्षेत्र के लिए तो बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। कोई भी आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। कोई क्रय या विक्रय करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको जो है इसमें लाभ प्राप्त अच्छा होगा। अगर हम बात करते हैं इसमें आपके जो है पर्सनल लाइफ के लिए यानी प्रेम संबंधों के लिए, तो प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र की जो स्थिति है कुंडली के अंदर वो भी चंद्रमा के साथ विराजमान है। शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है कुंडली के अंदर, जिससे कि आपके प्रेम प्रसंगों के ऊपर या आपकी जो है मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर बात करते हैं परिवार के लिए, तो पारिवारिक जो समस्या है थोड़ा सा इसमें रह सकती है, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है कुंडली के अंदर वो थोड़ा वक्र है कुंडली के अंदर, और आपकी पत्रिका के हिसाब से ये अष्टम में है, तो थोड़ा आपके फैमिली के अंदर परिवार के अंदर किसी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंता थोड़ा सा रह सकती है आपको इसमें। अगर इसके साथ साथ में अगर हम बात करें करियर के पॉइंट से, तो करियर के लिए आपका स्वामी बनता है शनि, और शनि आपकी पत्रिका के अंदर भाग्य स्थान में विराजमान है। इसका अर्थ यह है कि इस मंथ में जो भी आप प्रयास करेंगे अपने करियर के लिए या अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें आपको अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के द्वारा बनाया गया है। अगर आप अपनी राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें।